हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, क्लास 10th का, और चैप्टर का नाम हमारे पास है वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर इसका 11 है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास दो रेशो के दरमियान जो इक्वालिटी होती है इसको कहते हैं, ठीक है, इक्वालिटी बिटवीन रेशो। ठीक है, कि रेशो के दरमियान जो हम इक्वालिटी यूज़ करते हैं तो इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। जिस तरह से ये जो फोर डॉट हैं ये वाले, तो ये हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शन है। ठीक है, ये जो हमारे पास दो होते हैं ये रेशो होती है, जबकि जो फोर इस तरीके से आते हैं ये हमारे पास प्रोपोर्शन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट और जो लास्ट वाली होती है इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम, और जो मिड वाली होती हैं इनको हम कहते हैं मीन। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, ये हो जाएगा 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा? 21x माइनस 14 8x प्लस 12। 21x माइनस 8x इज इक्वल टू 12 प्लस 14। हाँ जी, 4 5 6 और ये 26 आ गया। 21 में से 8 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आ जाता है 13x। ठीक है, हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x को हम इधर ही रखेंगे और इसको हमने 13 से डिवाइड कर देना है, तो ये 2 आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 रेशो 3 डिवाइडेड बाय 5 प्रोपोर्शन 2x डिवाइडेड बाय 3 रेशो 7 बाय 5। ये हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/5, सॉरी यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम था तो हम लिख लेते हैं 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 और 7/5 इज इक्वल टू 3/5 और ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 3। 7 और 7 कट गया, 3 और 3 कट गया, तो यहाँ रह गया 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5, जबकि यहाँ पर रह गया 2x डिवाइडेड बाय 5। 5 और 5 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रह जाएगा 3x माइनस 1 2x, 3x माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इनको हल करते हैं तो x आ जाएगा और ये वाला 1 इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 रेशो 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्रोपोर्शन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 रेशो 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4। ठीक है, हम पहले क्या लिख लेते हैं? प्रोडक्ट लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये 2 2s आर 4 आ गया। 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू 2x माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x प्लस 4, तो ये हमारे पास आ गया। हाँ जी, अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 6x माइनस 18 इज इक्वल टू 5x प्लस 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 20 प्लस 18, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 38। तो हमारे पास यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है वो आई है 38। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। हाँ जी, अब हम इसका पार्ट 4 करेंगे, पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर रेशो एक्स प्रोपोर्शन पी क्यू माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू रेशो पी माइनस क्यू का होल स्क्वेयर। हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, अब ये पहले वाली जो पहली और लास्ट वाली जो टर्म है ये हमारे पास एक्सट्रीम है, मैंने ये लिख ली। ठीक है, और जो दरमियान वाली है वो हमारे पास मीन है। ठीक है, तो ये लिख ली। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके इसने मल्टीप्लाई हो जाना है, पी स्क्वेयर जमा पी क्यू जमा क्यू स्क्वेयर पी माइनस क्यू का होल स्क्वेयर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा।
पी स्क्वायर जमा पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, ये दो दफ़ा था तो हमने दो दफ़ा लिखा है, और डिवाइडेड बाय पी क्यू माइनस क्यू क्यू विच इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, पी स्क्वायर जमा पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है, क्यूब का फार्मूला खोल लेते हैं, पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर जमा पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब ये और ये कट जाएगा और ये सारी टर्म कट जाएगी, क्या रह गया, एक्स इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 हल किया है। जस्ट आपने क्या करना है कि ऊपर फार्मूला लगाना है, फार्मूला के बाद इसको सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। हाँ जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 16 माइनस एक्स और रेशो 25 माइनस एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 11 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स। अब 8 के साथ हम ये सारी टर्म लिख लेते हैं, 25 माइनस एक्स माइनस एक्स के साथ यही सारी टर्म लिख लेते हैं, इस तरह 11 के साथ 16 माइनस एक्स और माइनस एक्स के साथ 16 माइनस एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब 8 और 25 को मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो ये हो जाएगा 200 माइनस 8x माइनस 25x और प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह 11 और 16 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 176 माइनस 11x माइनस 16x और प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 208 में और 25 को हम जमा कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 33x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 176 माइनस 11 और 16 को जमा करते हैं 27x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो साइड टर्म है इसको मैं इस साइड पे दूसरी साइड पे ले जाती हूँ, शिफ्ट कर देती हूँ, आपकी मर्जी है इसको इधर ले जाएं या इसको इधर ले आएँ। ठीक है, मैं इधर इस साइड टर्म को मैं इस साइड पर, यानी कि जो हमारे पास राइट वाली साइड है उसको मैं लेफ्ट पर लेके आ रही हूँ, माइनस 176 प्लस 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, एक्स वाली टर्म को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और कॉन्स्टेंट टर्म्स को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस 33x प्लस 27x प्लस 200 माइनस 176 इज इक्वल टू जीरो बचा, ये आपस में माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 6 एक्स और प्लस 24 इज इक्वल टू जीरो, माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस और माइनस कट गए। ठीक है माइनस 24 आ जाएगा, माइनस और माइनस आपस में कट हो जाएंगे तो 6x हमारे पास आ गया 24 आ गया, x की वैल्यू निकालनी है 24 डिवाइडेड बाय 6 तो ये आ जाएगा 4, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब प्रोपोर्शन का जिक्र हमारे पास आ जाता है, प्रोपोर्शन हमारे पास दोबारा बता रही हूँ, इक्वालिटी होती है दो रेशोस के दरमियान। ठीक है, रेशो होंगे उनके दरमियान में जो इक्वालिटी लगेगी तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। उसके बाद आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जाने से पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।